हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक पॉइंट। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो ASM का साइको टेस्ट होगा, ठीक है, उसका पैटर्न अपडेट हो गया है। वो ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है। लास्ट ईयर तक वो ऑफलाइन होता है और उसके अंदर 5 सेक्शन आएंगे, ठीक है। और जो 5 सेक्शन आएंगे उनमें से 4 सेक्शन की वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। और ये 5th सेक्शन है जिसे हम डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। दैट इज पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है। मूव करते हैं डिटेल्स में। देखिए, अभी तक स्टूडेंट्स में ऐसा सोचना है कि जो पर्सनलिटी टेस्ट होता है उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, बस जाना है और वहाँ पे कुछ आप पर्सनैलिटी को जज करने के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसी को आप आंसर कर दीजिए, ठीक है, तो आपका वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो RRB ने अपने सैम्पल पेपर के अंदर दे रखे हैं कि जब इसको आप आंसर करेंगे तो आपको किन चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। RRB कहेगा कि आपकी पर्सनैलिटी को दो कॉलम में डिवाइड करेगा, ठीक है, कि आप किस पर्सनैलिटी से बिलोंग करते हैं, किस पर्सनैलिटी में आते हैं, कॉलम नंबर 1 में आते हैं, कॉलम नंबर 2 में आते हैं, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे आपको मार्किंग मिलेगी, ठीक है। तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं, इन्हीं को आपको ध्यान देना है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, गिव द फर्स्ट आंसर एज इट कम्स टू यू, ओके। आपको किसी प्रश्न पर ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, सबसे पहले जो उत्तर मन में आए उस पर ही निशान लगाएं, ठीक है। ये RRB की गाइडलाइंस में मेंशंस हैं, मतलब वैसे भी करना के चाहिए। जो कोई भी कंडीशंस दे रखी हैं आपको, इसमें क्या होगा, कंडीशन दे रखी होंगी, वो मैं भी एग्जांपल है उस बताऊंगा आपको, ठीक है। उसके ऊपर आपका पहला रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, वही आपकी रियल पर्सनैलिटी है, ठीक है। तो वही आपको आंसर करना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, ट्राई नॉट टू फॉल बैक ऑन द मिडल uncertain answer except when the answer at either end is really impossible for you, ठीक है। इसका मतलब क्या है, बीच वाले अनिश्चित उत्तरों का सहारा लेने की कोशिश ना करें, इन्हें तभी चुने जब अन्य विकल्प आपके लिए चुनना मुश्किल हो, ठीक है। तो इसमें क्या है कि वो कहता है कि अगर जो मतलब uncertain आंसरिंग करने से अवॉइड करें, ठीक है, बचें, ठीक है। अनसर्टेन या बीच में आंसर तभी करें जब रियली आपके पास कोई विकल्प ना हो, रियली आपके पर्सनैलिटी को जज करता ना हो और आपके जो थिंकिंग है उससे मैच ना हो, तभी आप उसे अनसर्टेन जो ऑप्शन है उसे टिक करें। देखिए, आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, 2 में, एक में हाँ होगा, एक में ना होगा, एक में फोर में, एक अगेंस्ट में, एक में अनसर्टेन, ठीक है। अनसर्टेन मतलब बीच में, ठीक है, अनडिसाइडेबल, ठीक है। तो उसको अवॉइड करें। अगर आप कोई भी आंसर तक पहुंच जाते हैं, मान लो, या उसके फॉर में अगेंस्ट में, ठीक है, तो अनसर्टेन टिक ना करें। अगर आपके पास कोई विकल्प ना हो, कोई चॉइस ना हो, तभी उस पर टिक करें, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 क्या है, बी श्योर नॉट टू स्किप एनीथिंग बट ट्राई टू आंसर एवरी क्वेश्चन, ठीक है। इस बात का ख्याल रखें, ठीक है, इस बात का ख्याल रखें कि आपसे कोई प्रश्न ना छूटे, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न करें, ठीक है, क्योंकि ये पर्सनैलिटी बेसिस पे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और आपको इन क्वेश्चनों को, पहली बात तो यह है, नेगेटिव मार्क नहीं है इसके अंदर साइको टेस्ट में, ठीक है। तो कोशिश ये करें ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करें, और पर्सनैलिटी टेस्ट है तो इसमें तो कोई ऐसा टाइम कंज्यूमिंग वाला टाइम समय लगेगा ना, ठीक है। जो आपके मन में या दिमाग में पहले आता है वही आंसर टिक करते हैं, ठीक है। तो उसको कोई भी आंसर छोड़ने से बचें, ठीक है, कोई आंसर सभी प्रश्नों का आंसर करें, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 क्या है, आंसर एज ऑनेस्टली एज पॉसिबल व्हाट इज ट्रू ऑफ यू, ठीक है। सभी प्रश्नों का उत्तर पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ दें, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑनेस्टली इसका आंसर दें, ठीक है, इस टेस्ट का ऑनेस्टली आंसर दें, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि क्रिएटिव आंसर ना दें, ओके, क्योंकि वहां पर क्या होगा, जब आपके जो पर्सनैलिटी है, मान लीजिए आपने फर्स्ट क्वेश्चन में आपने उसके फेवर में आ गए, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट में आके आप क्या हो गए, उसके अगेंस्ट में आ गए, तो आपकी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं मिसमैच हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी पर्सनैलिटी को प्रॉपर कैट कॉलम में नहीं लगाया जा सकेगा, कॉलम 1 में, कॉलम 2 में, ठीक है। इसलिए जो आपके मन में पहले ही आंसर आता है उसे दे और ऑनेस्टी दे, ठीक है। डोंट टेक एनी टेंशन, डोंट टेक एनी स्ट्रेस इन दिस सेक्शन, ओके। अब मूव करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। इसमें क्या, देखिए क्वेश्चंस में इंस्ट्रक्शन है, दिस टास्क बुकलेट कंटेन सम क्वेश्चन एंड यू हैव टू आंसर देम अकॉर्डिंगली यू इंटरेस्ट एंड व्यूज बेस्ड ऑन योर आंसर टू डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ योर पर्सनैलिटी वुड
बी इवेलुएटेड एंड टू सेपरेट स्कोर्स वुड बी जनरेटेड, इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू क्वालिफाई ऑन बोथ द डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी फॉर बींग सुटेबल इन दिस टेस्ट। ठीक है, ये जो इंस्ट्रक्शंस है ये आरबी के सैम्पल पेपर की है। ठीक है, तो जैसे मैं बताया मैं आपको टू डायमेंशन में आपकी पर्सनैलिटी को जज किया जाएगा। ठीक है, और आपको दोनों पर्सनैलिटी में ही क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन क्या है देखिए, वन आई गोइंग टू फिनिश अ गोल आई फील नर्वस इन बिटवीन एंथुसियास्टिक। यहाँ पे इन बिटवीन जो है वो अनसर्टेन है। ठीक है, अब हिंदी में क्या है, हिंदी वाले, जब मैं कोई लक्ष्य तक पहुंचने वाला होता हूं तो मैं अनुभव करता हूं क्या, नर्वसनेस, ठीक है, व्याकुलता, दोनों के बीच ये इन बिटवीन अनसर्टेन या उत्साह या फिर उत्साहित होता हूं। ठीक है, तो इसका आंसर आप अपने अकॉर्डिंग चूज किए। ठीक है, मैं यहाँ पे आंसर नहीं करूंगा, मान लीजिए मैं होता तो मैं इसका आंसर सी करता। ठीक है, एंथुसियास्टिक, उत्साह महसूस। ठीक है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग आंसर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह का एग्जांपल देखिए, आई कैंट हैव साउंड स्लीप इन नाइट बिकॉज ऑफ लॉर्ड्स ऑफ नॉइज। ठीक है, पहला ऑप्शन है ट्रू, सेकंड कांट से, थर्ड इज नेवर, कांट से इज द अनसर्टेन एंड बीच का। ठीक है, शोरगुल की वजह से मैं रात को ठीक से सो नहीं पाता। ओके, ऑप्शन वन सत्य है, शायद ही कभी, सी कभी नहीं। ठीक है, तो मैंने कहा आपको एक में आप यस कहेंगे, एक में नो कहेंगे, एक अनसर्टेन करेंगे। ठीक है, अब शोरगुल की वजह से मैं रात को ठीक से नहीं सो पाता। ठीक है, अब मान लीजिए आपने इसमें लिख दिया ट्रू। ठीक है, अगर मैं होता तो मैं इसमें ट्रू लिखता ए। ठीक है, अब तो कितने स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो सीधा जो इस परसेंटेज टेस्ट के क्वेश्चन है ये सीधा उन जो क्वेश्चन रेलवे से ज्वाइन कर देंगे। मीन सोचेंगे कि शोरगुल रेलवे में अगर ज्वाइनिंग, अगर रेलवे में जॉब करेंगे तो वहाँ शोर शराबा होगा, अगर मैं इस पर टिक कर दूंगा कि सो नहीं पाता तो क्या पता रेलवे वाले मुझे एक्सेप्ट ना करे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप करना क्या है कि अपनी पर्सनैलिटी जैसा भी जो रियलिटी है ऑनेस्टली है उसको आंसर कर दें। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, एनी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ देयर एम्प्लॉयज। ठीक है, ट्रू इन बिटवीन फॉल्स, कोई संगठन अपने कर्मचारियों के सहयोग से ही आगे बढ़ता है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही, दोनों के बीच गलत। ठीक है, तो मैं अगर होता इसका आंसर होता सही ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ समवन इज वॉचिंग माई प्रोग्रेस आई परफॉर्म माई वर्क बेटर। ठीक है, पहला ऑप्शन फॉल्स, इन बिटवीन और ट्रू, अगर कोई मेरे कार्य को देखता है तो मैं अच्छा काम करता हूँ, पहला ऑप्शन गलत, दोनों के बीच सही। ठीक है, तो ये मैं होता तो इसका आंसर सी करता, लेकिन ये आपकी पर्सनैलिटी पे चूज डिपेंड करता है, आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की, आप लोग थिंकिंग किस तरह की है, तो आप अपने अकॉर्डिंग आंसर करें। ठीक है, तो मैं इस सेक्शन में मेरा क्या है कि मेरे को थोड़ा बताना है कि आपको किस तरह क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आपको उस कंडीशन पर रेंडमली एट टाइम पर ही आंसर करना है। ठीक है, क्वेश्चन फाइव, व्हेन फोर्स्ड टू एक्स्ट्रा वर्क आई फील मेंटल डिस्कम्फर्ट। ठीक है, पहला ऑप्शन नो, सेकंड इन बिटवीन, सी इसे यस, जब मुझे अतिरिक्त कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है तो मैं मानसिक तकलीफ महसूस करता हूँ। ठीक है, तो पहला ऑप्शन नहीं, दूसरों के भी तीसरा सी। ठीक है, तो मेरा कहने का मीनिंग यही है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको सीधा रेलवे का जो वर्क प्रोफाइल है उससे मैच ना करें। ठीक है, अपना आंसर ऑनेस्टली दें। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ प्रोफाइल ऐसे हैं, ASM है, असिस्टेंट असिस्टेंट मास्टर है, थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा मेंटल डिस्कम्फर्ट होता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग को ऑनेस्टली यहाँ पे आंसर करना है अपने पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं होता इसका आंसर तो सी लगा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, आई हैव ग्रेट फ्रस्ट्रेशन अबाउट माई पास्ट। ठीक है, पहला यस, सेकेंड इन बिटवीन, थर्ड सी नो, मुझे अपने बीते हुए कल को लेकर बहुत ताशा होती है। ठीक है, हाँ, दोनों के बीच और नहीं। ठीक है, इनमें से आप पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग कोई भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा यहीं पर इस वीडियो में आने का मीनिंग यही है कि आप अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से आपको जो क्वेश्चन आएंगे, सोशल क्वेश्चन जैसे भी क्वेश्चन आएंगे, आपको रैंडमली उसके आंसर करने होंगे अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, ना ही क्रिएटिव माइंड से। ओके, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है,